दोस्तों, टीवी के पॉपुलर शो अनुपमा शो में नजर आने वाले कलाकारों में अगर किसी कलाकार ने सबसे ज्यादा तारीफें बटोरी हैं, तो वो शो में अनुज कपाड़िया की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे अभिनेता गौरव खन्ना ही हैं, जिन्होंने इस शो में अपनी एंट्री से ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो वहीं आगे चलकर इन्होंने शो में अपने किरदार को इतना बखूबी पेश किया है कि आज हर कोई इनका फैन बन चुका है। लेकिन आप इस दमदार अभिनेता के बारे में तो सब जानते हैं, पर शायद ही आप इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनकी फैमिली में कौन कौन है और किस तरह से इन्होंने अपनी फैमिली से निकलकर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाले हैं कि इनकी फैमिली हिस्ट्री बताकर। अगर आप भी इनके परिवार का इतिहास जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अनुपमा में अनुज कपाड़िया की भूमिका निभाते हुए दर्शकों का दिल जीत रहे अभिनेता गौरव खन्ना कानपुर के एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पिता विनोद खन्ना कानपुर के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने कानपुर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और कुछ ही समय में काफी कामयाब भी रहे। जहां कामयाबी पाने के साथ ही उन्होंने अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की साक्षी खन्ना से शादी की, जिन्होंने आगे चलकर बतौर गृहिणी अपनी घर गृहस्थी को संभाला और उनके साथ ही दो बच्चों की मां बनी, जिनमें गौरव खन्ना और इनकी बड़ी बहन शामिल हैं। और अब बात करें इनकी बड़ी बहन के बारे में, तो आपको बता दें कि यूं तो गौरव खन्ना की एक बड़ी बहन है, पर क्योंकि इनकी बहन लाइमलाइट से कोसों दूर रहना पसंद करती हैं, इसीलिए इनकी बहन के बारे में ना तो कोई जानकारी उपलब्ध है और ना ही कोई तस्वीर। वही बात करें इस फैमिली के स्टार यानी कि गौरव खन्ना के बारे में, तो आपको बता दें कि गौरव खन्ना का जन्म 11 दिसंबर 1991 को कानपुर में हुआ था, जिसके चलते इनकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं से पूरी हुई है, जहां कानपुर से MBA की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने एक IT फर्म में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर काफी लंबे समय तक जॉब की। पर क्योंकि इन्हें हमेशा से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी, इसीलिए इन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़ने का फैसला ले लिया और मुंबई चले आए, जहां इन्हें शुरुआत में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। और यही वजह है कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत किसी सीरियल या फिल्म से नहीं बल्कि कमर्शियल एडवर्टीजमेंट से की है, जहां ढेरों एडवर्टीजमेंट करने के बाद इनके अभिनय को देखते हुए इन्हें पहली बार साल 2003 में टीवी सीरियल में काम करने का ऑफर आया, जिसे अपनाते हुए इन्होंने कयामत से अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने रितेश का किरदार निभाया था और मशहूर हुए, जहाँ इस सीरियल के बाद इन्हें सिद्धांत, भाभी और कुमकुम एक प्यारा सा बंधन जैसे कई सीरियल में अभिनय करने का मौका मिलता चला गया, जहां वर्तमान में अनुपमा सीरियल में ये अनुज कपाड़िया की भूमिका निभाते लाखों करोड़ों दर्शकों का खूब दिल जीत रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए अब इन्हें भी कई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लीड रोल निभाने के ऑफर्स मिल रहे हैं। वही बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो बता दें कि गौरव खन्ना हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहे हैं, जहां इन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही लड़की से दिल लगाया और उन्हें ही अपनी धर्म पत्नी बनाया, जिनका नाम आकांक्षा चमोला है, जिनसे इन्होंने साल 2016 में शादी कर ली थी। आपको बता दें कि इनकी पत्नी प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस हैं, जो कि सौरागिनी और भूतू जैसे टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं, जिनके साथ काम करने के दौरान ही ये अपना दिल लगा बैठे थे, इसीलिए आगे चलकर इन दोनों ने ही अपने अपने प्यार का इजहार करते हुए साल 2016 में एक दूसरे को अपना हमसफर चुना और आज शादी करके खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, आपका गौरव खन्ना की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।